बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आपकी खिदमत में एक नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, आज का हमारा नुस्खा है वो है हब्बे अंबर मोमियाई के फ़ायदे। दोस्तों, मर्दाना कमज़ोरी को दूर करता है और पावर स्टेमिना को बढ़ाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हब्बे अंबर मोमियाई कितनी बीमारियों में काम आता है और इसको किन लोगों को इस्तेमाल करना है और किन लोगों को ये इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना और हमें क्या क्या परहेज़ करने हैं। दोस्तों, मुकम्मल जानकारी पाने के लिए आप वीडियो में बने रहिए, एक बार वीडियो को ज़रूर सुने, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन पर ऑल पर लाकर प्रेस कर दीजिए। इससे होगा कि हमारी आने वाली वीडियो यानी आने वाला नुस्खा आपके पास सबसे पहले पहुँच करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज के नुस्खे के बारे में। दोस्तों, हब्बे अंबर मोमियाई टाइमिंग के लिए मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत अच्छी टेबलेट है। दोस्तों, इसके अंदर फार्मूले बहुत ज़्यादा गर्म और ज़बरदस्त फार्मूले गिरे गए हैं, तब इसको तैयार किया गया है। एक देसी आयुर्वेदिक दवाई है। दोस्तों, जान लेते हैं कितनी बीमारियों में ये काम आती है। दोस्तों, हब्बे अंबर मोमियाई नपुंसकता मर्दाना कमज़ोरी को दूर करती है और जल्दी डिस्चार्ज हो जाने की समस्या को दूर करती है। दोस्तों, और नर्व सिस्टम की कमज़ोरी को दूर करती है, हार्मोन की कमी को दूर करती है और दोस्तों टेस्टोस्टेरोन की कमी को दूर करती है, ताकत देती है, इमसाक पैदा करती है और रुकावट पैदा करती है और दोस्तों हमारी टाइमिंग को बढ़ाती है। जो लोग विगोरा का इस्तेमाल करते हैं टाइमिंग बढ़ाने के लिए या और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए और इन तमाम जो बीमारी मैंने आपको बतलाई है इनमें बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों, जान लेते हैं किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना और किन लोगों को इस्तेमाल करना है, वो कैसे करना है और क्या क्या परहेज़ करने हैं। दोस्तों, जिन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना वो लोग जिनका मिजाज गर्म है, जिनका मिजाज गर्म है उनको इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा, जिनका पेट ख़राब रहता है उनको ये इस्तेमाल नहीं करना। और दोस्तों, जान लेते हैं किन लोगों को इस्तेमाल करना है और क्या क्या परहेज़ करने हैं। दोस्तों, परहेज़ की बात करें तो इसके साथ हमें अंडे का परहेज़ करना है, चाय का परहेज़ करना है, गोश्त का परहेज़ करना है और तली भुनी चीज़ों का और खट्टी चीज़ों का और गर्म चीज़ों का। दोस्तों, गर्म चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी जब तक हम दवाई का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इस जान लेते हैं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस्तेमाल की बात करें तो हमें एक गोली शाम को दूध के साथ चबाकर खानी है। दोस्तों, पानी के साथ सेवन बिल्कुल नहीं करना, दूध के साथ ही हमें एक गोली चबाकर खानी है और हमें हम बिस्तर से तकरीबन एक या डेढ़ घंटे पहले एक गोली को खाना है। और अगर हम बिस्तरी भी नहीं करते, रोज़ाना हम एक गोली का इस्तेमाल 24 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लगातार एक महीने तक ये टेबलेट इस्तेमाल नहीं करनी, बीच में गैप देना है, यानी दो या तीन दिन बीच में छोड़ छोड़ कर हमें इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पर दोस्तों, अगर हम गोली इस्तेमाल कर रहे हैं, तीन दिन इस्तेमाल करी तो एक दिन छोड़ो, फिर इस्तेमाल करी, फिर तीन दिन या दो दिन इस्तेमाल करिए, फिर एक दिन का गैप ले लो, गैप लेकर इस्तेमाल करनी है। रेगुलर एक महीना गोली इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और इसके अंदर जो दवाई डाली गई है उन वे सारी गर्म हैं, गर्म मिजाज की हैं और जो गर्म मिजाज के लोग हैं उनको बिल्कुल ये इस्तेमाल नहीं करनी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।